अब देख रहे हैं हम डिजाइन के टैप के बारे में कि डिजाइन का टैप किस तरह से काम करता है। तो डिजाइन का टैप जो है रिलेट करता है, हम होम में जाते हैं ये जो स्टाइल्स हैं इससे, और ये स्टाइल सारे के सारे आ रहे होते हैं डिजाइन के टैप में जाके डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में। बेसिकली यहाँ पे एक थीम है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, ये आपकी बेस जो है ये इस तरह से है कि बहुत सारे लोग जिनको स्टाइल्स बनाना नहीं आते तो वो इसकी हेल्प से स्टाइल्स वगैरह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा डील कर लेते हैं। तो यहाँ से भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हैडिंग और इंटर कर दिया, यहाँ पर रैंड कर दिया, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया, फिर यहाँ पर इसको ले लिया, एक और हेडिंग ले ली मैंने यहाँ पर, और इस पर एक और पैराग्राफ मैंने यहाँ पे डाल दिया, दो पैराग्राफ। ठीक है, अब सपोज तो भी मैंने इसको यहाँ से क्लिक करके एक स्टाइल दिया है जो क्या था टाइटल का। ठीक है, इसको सेंटर करके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को मैंने रिड्यूस करके इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, फिर इसको स्टाइल दिया यहाँ से हेडिंग वन का, तो ये हेडिंग वन जो थी वो इस हेडिंग वन की तरह से नजर आएगी। सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से हेडिंग वन पे, फिर यहाँ से क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से नजर आएगा एक ऑप्शन जिसको हम कह रहे होते हैं इंटेंस स्टाइल, दे दिया इसको, और इस पैराग्राफ को मैंने जो है ना कोट वाला स्टाइल दे दिया। ये सारे स्टाइल्स मैंने इस पर अप्लाई कर रखे हैं, और ये फिर मैंने इसको एक स्टाइल दे दिया यहाँ से लिस्ट पैराग्राफ का स्टाइल दे दिया। ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपके सामने मैंने बनाया। ये जो फॉर्मेट बना, यहाँ पे जितने स्टाइल्स आ रहे हैं वो कौन सी थीम से बिलोंग कर रहे हैं, इस थीम से बिलोंग कर रहे हैं जो कि इसके अंदर है। अब इस थीम की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये बता रहे थीम की स्पेसिफिकेशन कि भाई इसमें फॉन्ट साइज ये होगा, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, यहाँ पर से ये चीज़ें अप्लाई हो गई इसके ऊपर। थीम्स पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म की थीम्स आ रही हैं बनी हुई। थीम्स का मतलब ये होता है प्री सेट फॉन्ट्स, फॉन्ट स्टाइल फॉर हेडिंग्स, पैराग्राफ, कोड्स, टेक्स्ट वगैरह, मतलब पहले से बने बनाए आपको दे दिए गए। अब आपको ये वाला स्टाइल समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला ले लें भाई। जैसे ये स्टाइल लेंगे तो इसका टाइटल, इसकी हेडिंग, इसका पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फिर ये वाला लेंगे तो उसकी टाइटल हेडिंग, इसका टाइटल हेडिंग, इसका टाइटल हेडिंग, इसका टाइटल हेडिंग, हर किसी के टाइटल हेडिंग स्टाइल्स अलग अलग होंगे। जो आप थीम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो वैसा आपको टाइटल हेडिंग में कन्वर्ट करके दिखा देगा। फिर अगर आपको कलर समझ में नहीं आता तो यहाँ से डिफरेंट किस्म के कलर्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको फॉन्ट समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है वो डाल दें ओवरऑल सब पर। फिर अगर आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो पैराग्राफ की स्पेसिंग को नो स्पेसिंग कर दें, कॉम्पैक्ट कर दें, टाइट कर दें, ओपन कर दें, रिलैक्स कर दें, डबल कर दें, ये आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फिर अगर आपको इफेक्ट समझ में नहीं आता, अभी इफेक्ट्स किस पे अप्लाई होंगे, इफेक्ट्स टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होते, इफेक्ट्स के लिए आपके पास शेप होने चाहिए, यानी कि आपने यहाँ से कुछ शेप्स बनाए हुए और यहाँ पे क्लिक करके इस पर यहाँ पे ऐड किए हुए ये शेप्स आ रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर एक दूसरा शेप आपने बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो है जो भी शेप आपने बना रखा है इफेक्ट्स इस पर अप्लाई होंगे। कैसे अप्लाई होंगे देखिएगा, जैसे मैं डिजाइन में जाऊंगा और यहाँ पे इफेक्ट्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स इसके ऊपर आपको चेंजेस होते हुए थोड़े थोड़े से नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं कलर स्कीम चेंज कर दूंगा तो वो उनकी कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ से फिर फॉन्ट चेंज कर दूंगा तो टेक्स्ट पे असर पड़ेगा, इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये सारा इफेक्ट्स पे असर पड़ेगा, तो फिर आपका जो शेप है और इसका स्टाइल है कुछ इस तरह से नजर आएगा। फिर हम इसके जब डिजाइन में फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कलर स्कीम भी उसी हिसाब से आ गई होगी, हम ये वाला कलर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अब फिर से इफेक्ट को चेंज करेंगे तो डिजाइन के टैब में जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से इसके इफेक्ट चेंज होते चले जाएंगे। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं इसके साथ, कि अगर आपने एक स्टाइल यहाँ से जिससे भी अप्लाई किया है स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ के चेंज कर लें, फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे कर लें, कलर को चेंज करना है यहाँ, इफेक्ट्स को चेंज करना है, पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब आते हैं वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स के ऊपर। अब मेरे मुख्तलिफ पेजेस पर काम हुआ हुआ है जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के पेजेस होते हैं। सपोज अभी मैं इसी काम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो मेरा काम बढ़ के कितने पेजेस पे चला गया, वो 4-6 पेजेस पे चला गया। क्लिक किया मैंने यहाँ से पेज बॉर्डर के ऊपर, पेज बॉर्डर मुझे अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो एक तो सिंपल से बॉर्डर है, बॉक्स बॉर्डर है, यहाँ से अप्लाई कर लें। फिर है शेडो बॉर्डर है, यहाँ से अप्लाई कर लें। फिर है इसके आगे 3D बॉर्डर है, यहाँ से अप्लाई कर लें। हर बॉर्डर के साथ आपको स्टाइल मिलेंगे, कौन सा बॉर्डर चाहिए ये चाहिए, उसको एक स्टाइल दीजिए, फिर यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए और हो जाएगा। उसकी थिकनेस वगैरह अप्लाई करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके थिकनेस ले लें, यहाँ से कोई ओके कर दें, अप्लाई कर दें, अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके उसके कलर सैम्पलिंग करनी है तो कलर सैम्पलिंग कर दें, ओके कर दें, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर क्लिक करके अगर उसके साथ कोई और अच्छे बॉर्डर लगाने, 3D आर्टिस्टिक बॉर्डर, यहाँ से ले लें, क्लिक कर दें, ओके कर दें, अप्लाई हो जाएगा। फिर इन बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लें, यहाँ से क्लिक करके ओके कर लें, इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर अगर आपने बॉर्डर की जो थोड़ी सी विड्थ वगैरह कम करनी है तो यहाँ से इसकी विड्थ को कम कर लें, बढ़ा लें,
तो ये चीज यहाँ से इजीली कंट्रोल हो जाएगी, ओके कर देंगे तो ये ऐसे नजर आएगा। फिर अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन कर दें। अब बॉर्डर्स की भी मुख्तलिफ सेटिंग्स है, अगर यूजुअली आप कोई बॉर्डर यहाँ से या वहाँ से कहीं से भी अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो ये बॉर्डर आपको इस तरह से नजर आ रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो सारे पेजेस आपको नजर आएंगे। ये देखिए हमारे 3 पेजेस पर बॉर्डर अप्लाई है, ठीक है। अब इसमें सेटिंग्स क्या है, पेज बॉर्डर में गए, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लेता हूँ होल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे एक है, 1000 पेज है सब पर आएगा। फिर मैं यहाँ से कहता हूँ फर्स्ट पेज ओनली, तो ओके करेंगे तो पहले पेज पर आएगा। फिर यहाँ से मैं कहता हूँ फर्स्ट पेज एक्सेप्ट, ओके करूंगा तो पहला पेज छोड़ के जितने आगे के पेजेस है सब पर नजर आएगा। और अगर मैं कहता हूँ यहाँ से ऑल, तो फिर ये सब पर नजर आने वाला है। फिर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि नहीं ऑप्शन, यहाँ पर से कुछ बॉर्डर जो है मेरे टेक्स्ट को टच कर रहा है और ये पेज के बॉर्डर्स हैं और ये मेरे टेक्स्ट की मार्जिन है, तो अब इनके दरमियान के गैप को बॉर्डर कैसे कंट्रोल करता है। अगर मैं सबको 0-0 कर दूंगा, 0-0-0 यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन ओके कर दूंगा, तो मेरा बॉर्डर बिल्कुल पेज के एंड टू एंड टच हो जाएगा मार्जिन पे जाके, ठीक है। तो फिर कुछ बॉर्डर पेज पे इस तरह से नजर आएगा। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है मुझे, वैसे मुझे ये सही लग रहा था लेकिन मुझे थोड़ा सा साइज कम करके और कंट्रोल करना है, ओके कर दिया तो ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा करीब करना है, तो क्लिक किया यहाँ से, अगर चारों तरफ से करीब करना है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप 31 की डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 15 की वैल्यू डालता हूँ चारों में इक्वल, ताकि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा 15-15 पॉइंट जो है पिक्सल जो है आगे आ जाए। तो ये देखें इस तरह से फिर मुझे ये नजर आने लग जाएगा। लेकिन मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, मतलब टॉप वैल्यू और बॉटम वैल्यू को मैं अलग करना चाह रहा हूँ। सपोज अभी टॉप और बॉटम को मैं सपोज 10-10 पे रखना चाह रहा हूँ, 10, और ये भी करना चाह रहा हूँ 10, वो 15-15 और ये 10-10, तो ओके करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, जबकि लेफ्ट राइट पे पोजिशन मेंटेन रखेगा। तो इस तरह से भी आप अपने पेज बॉर्डर को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम वाटरमार्क के ऊपर। वाटरमार्क जस्ट लाइक फॉर साइन, कि अपने डॉक्यूमेंट को कुछ एक कॉपीराइट वगैरह का साइन देना है, क्लिक करना है यहाँ से वाटरमार्क पे और क्लिक करके कोई भी वाटरमार्क ले लेना है। क्लिक करके फिर जाना है यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे और क्लिक करके यहाँ से जो भी नाम लिख देंगे इसके अंदर, सपोज टू बी हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिश लिख दिया, और क्रिश करके हमने यहाँ से ओके कर दिया, एक कलर इफेक्ट बनाया इसके ऊपर और इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करके लगा दिया, सब पे क्रिश लिखा हुआ आ जाएगा। सेमी ट्रांसपेरेंट हटाएंगे तो थोड़ा डार्क कलर में नजर आएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट करेंगे तो लाइट नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ऐसे सीधा नजर आएगा, डायगोनल करेंगे तो ऐसे टेढ़ा नजर आएगा। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट में नहीं चाहिए, पिक्चर वाटरमार्क चाहिए। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, वर्क ऑफलाइन करेंगे, तो तुम्हारे कंप्यूटर में जहाँ भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है या वो तस्वीर जो तुम वाटरमार्क के तौर पे लगाना चाहते हो उस जगह पे चले जाओ। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैं तो मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा इंसर्ट एंड देन अप्लाई, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में इस तरह से आ जाएगा और ये प्रिंट में भी इसी तरह से नजर आएगा। नहीं चाहता हूँ नो वर्क कर दें, अप्लाई कर दें। टेक्स्ट वाला चाहते हैं टेक्स्ट वाला ले लें, जो पिक्चर वाला चाहते हैं पिक्चर वाला ले लें, दोनों ही नहीं चाहिए नो करके इसको अप्लाई करके ओके करके बाहर आ जाए। जितने पेजेस होंगे उन पर और जो ऐड होंगे उन पर सब पे अप्लाई हो जाएगा। फिर आते हैं पेज कलर्स पे, तो डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं जो अपने पेज पर आप लगा सकते हैं। ये वाली कलर स्कीम लगा दें, ये वाली कलर लगा दें, ये वाला कलर लगा दें, अगर नहीं लगा रहे तो नो कलर कर दें। फिर उसके बाद मजीद यहाँ से चले जाएँ मोर कलर्स के अंदर, या डिफरेंट कलर्स हैं जो वहाँ नहीं मिल रहे थे वो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से लगा दें। अगर नहीं लग रहा तो उसको भी नो कर दें। फिर आप यहाँ से क्लिक करके चले जाएँ फिल इफेक्ट्स के अंदर। फिल इफेक्ट्स में आपको मल्टीपल कलर के शेड्स मिलेंगे, 1 कलर 2 कलर 3 सेट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, बने बनाए शेड्स हैं। हर शेड को हम 2, 4, 6 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम डायगोनल अप, डाउन, वर्टिकल अप, हॉरिजॉन्टल, जैसे चाहे अप्लाई कर दें। क्लिक करेंगे ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करेंगे फिर से फिल इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे टेक्सचर पे। कलर शेड्स नहीं चाहिए जिनको हम ग्रेडियंट्स कहते हैं, अब हमें टेक्सचर चाहिए, कौन सा चाहिए ये चाहिए, ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। अब ये भी नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, सपोज पैटर्न चाहिए, पैटर्न चूज करें, पैटर्न किस कलर का लगाना है दोनों कलर यहाँ पे बताइए, क्लिक करके ओके करें पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। पैटर्न नहीं चाहिए, कोई पिक्चर लगानी है बैकग्राउंड में, पिक्चर पे क्लिक कर दें, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें, अपने कंप्यूटर में वो पिक्चर आपने जहाँ रखी है फ्रॉम फाइल करके वहाँ चले जाएं। लेट्स सपोज वो पिक्चर कौन सी है, सपोज अभी वो पिक्चर ये वाली है, डबल क्लिक किया और ओके कर दिया, तमाम पेजेस पे वो पिक्चर इसी तरीके से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन यूज करके डिजाइन के ऊपर से अपने डॉक्यूमेंट के स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। ये भी नहीं चाहिए तो क्लिक करेंगे यहाँ से नो कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन एक्सप्लेन हो गए और ये सारा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया जो यहाँ पे थीम से रिलेटेड था। यानी कि यहाँ पे अगर आपको अपना स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से जाके उसको चेंज करना होगा। अगर पूरा कॉम्पैक्ट पैकेज चाहिए तो यहाँ से ले लें, अदरवाइज अलग अलग चाहिए तो यहाँ से आपकी सेटिंग को बना सकते हैं।